पंजाब के एक होर मंत्री नूं होया कोरोना, कोरोना की लपेट दे विच आए जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके सांझी की जानकारी, मुख्यमंत्री ने रंधावा की सेहत यापी की की कामना। इस तो पहला कई मंत्री ते विधायक भी आ चुके ने कोरोना की लपेट। पंजाब च कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे के दौरान 1320 पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना करके 45 लोगों की हुई मौत, सूबे च कोरोना मरीजों की गिनती 40,000 तो पार। पंजाब च अज भी मुकम्मल लॉकडाउन, जरूरी सेवावां नूं छड़ के बाकी सब कुछ रहेगा बंद। शराब के ठेके शाम 6:30 बजे तक खुलणगे, होटल और रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। कल सवेरे 5 बजे खत्म होगा वीकेंड लॉकडाउन। सूबियां वालों लगाईयां पाबंदियां ते केंद्र दा हुकम, लोकां ते सामान की आवाजाई ते सूबे पाबंदी ना लगाउण। केंद्रीय गृह सकत्र अजय भल्ला ने सारे सूबों के मुख्य सकत्रां नूं लिखिया पत्र, अजिहियां पाबंदियां नाल अर्थचारे ते रुजगार ते पै रहा माड़ा असर। केंद्रीय गृह सकत्र अजय भल्ला ने कहा, लोकल ते अंतरराजी आवाजाई ते पाबंदी लगाउणा गृह मंत्रालय के हुक्मां दी अधूली। लॉकडाउन दौरान दुकाना बंद करवा रहे थानेदार ते होया हमला, गढ़शंकर के पिंड ईसपुर च दुकानदार ने थानेदार नूं कीता जख्म। दुकान बंद करवाने समय थानेदार की दुकानदार नाल हुई सी तकरार, हमला करने वाले दुकानदार नूं पुलिस ने किया काबू। हुशियारपुर च सिविल ते पुलिस प्रशासन वालों कोरोना खिलाफ लोगों नूं जागरूक करने कढ़िया गया फ्लैग मार्च। मौके SDM ने दसिया कि सरकार वालों कोरोना संबंधी जारी हदायतों की पालना कराने लई फ्लैग मार्च कढ़िया। वीकेंड लॉकडाउन मौके पठानकोट के कस्बा सरना च खुलियां दुकाना, पुलिस ने करवाइया बंद। समान ना देने ते कुछ लोगों ने दुकानदार के घर से किया हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंजाब च वीकेंड लॉकडाउन लगाने ते दुकानदारां च रोस, कहा मध्य वर्गी लोग हो रहे ने तबाह। वीकेंड लॉकडाउन के चलद रामपुरा फूल ते पुछो मंडी कस्बे के बाजार पूरी तरह के नाल रहे बंद। तरन तारण च पत्रकार नाल हुई कुटमार का मामला, बयान दर्ज होने के 48 घंटों बाद भी नहीं हुई बब्बू सरपंच की गिरफ्तारी। ढिली कार्रवाई के लिए अदालत ने भी पुलिस को पाई झाड़, कहा केस विच बयान दर्ज करने की नहीं है जरूरत। अदालत ने पीड़ित पत्रकार की शिकायत से ही बनदियां धारावां तहत कार्रवाई करने की कही गल। बीते दिन हुई फायरिंग से पुलिस ने लिया एक्शन, चार लोगों सने कुछ अणपछात्यां ते भी मामला दर्ज, फायरिंग दौरान एक शख्स की हुई सी मौत। संगरूर च ओपन स्कूलों के 10वीं के नतीजे ना आने करके विद्यार्थियों ने सिख्या मंत्री की कोठी अगे दिता धरना। इस तो पहला 14 अगस्त को भी विद्यार्थियों ने सिख्या मंत्री के दफ्तर अगे दिता सी धरना, विद्यार्थियों ने कहा कि साढ़े भविख के नाल ना किया जाए खिलवाड़। अमृतसर च अध्यापकों ने जिला सिख्या अफसर के खिलाफ किया रोस मुजहरा।
अध्यापकों च प्रमोशनां ना किए जाने रोस अध्यापकों का कहना मंग ना मनण ते सोमवार को डीसी दफ्तर के अगे भुख हड़ताल से बैठे। बंगा के पिंड नौरा चोई लखां दी लुट एटीएम चो 14 लाख रुपए लुट के फरार हुए लुटेरे। गैस कटर नाल एटीएम नूं कट के वारदात नूं दित्ता अंजाम पुलिस कर रही है जांच। गुरु हर साहिब दे पिंड नौ बहराम शेर सिंह वाला खेतों चो पुलिस ने बरामद की हैरोइन। पुलिस मुताबक हैरोइन बारे मिली सी गुप्त सूचना, पुलिस ने अणपछाते लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। रात नूं प्रेमिका नूं मिलण गए प्रेमी ते उसके दोस्त नाल पिंड वासियों ने की कुटमार, कुटमार दौरान प्रेमी की हुई मौत। हरियाणा के गुरुग्राम च निर्माण दौरान डिग्या फ्लाईओवर का स्लैब, हादसा सहोदड़ा रोड से वापरिया, हादसे 2 मजदूर जख्मी। गणेश चतुर्थी मौके लुधियाना 40 किलोग्राम चॉकलेट नाल बनाई गई गणेश जी की मूर्ति। गणेश चतुर्थी मौके क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने घर के विच की पूजा अर्चना। विश्व कोरोना महामारी का कहर बरकरार, कोरोना करके 8 लाख तो वध लोगों की मौत। दुनिया भर च 2,33,61,000 तो वध लोग कोरोना पॉजिटिव, विश्व च 1,58,93,000 तो वध मरीजों ने कोरोना नूं दित्ती मात।